वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सत्ता को संभाला है, तब से ही गुंडों और माफियाओं पर नकेल कसने की कोई कसर यूपी पुलिस ने नहीं छोड़ी है। रोजाना प्रदेश से ऐसे गुंडों और अपराधियों के एनकाउंटर की खबरें सामने आती हैं जिन्होंने अपने आतंक से यूपी में गुंडा राज फैलाया हुआ था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई से ऐसे अपराधियों का बचना मुश्किल हो गया है, इसलिए कुछ अपराधी अब अपने आप ही यूपी पुलिस के सामने सरेंडर करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों की सफाई में जुटी हुई है, उससे ऐसा लगता है जैसे यूपी पुलिस किसी मिशन के तहत काम कर रही हो। अब ऐसी ही एक खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से सामने आई है। यहाँ के एहरोला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी शराब माफिया मोहम्मद नदीम की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। जहरीली शराब कांड में पुलिस की टीमें फरार 11 आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। इसी दौरान एहरोली थाना अध्यक्ष को जानकारी मिली कि 50,000 का इनामी शराब माफिया मोहम्मद नदीम कहीं भागने की फिराक में पैदल ही दुर्वासा धाम से सकतपुर की ओर जा रहा है। जी हाँ, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। पुलिस टीम ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो इनामी शराब तस्कर ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी शराब माफिया नदीम घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से पिस्टल व कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने घायल नदीम को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि घायल शराब माफिया नदीम के घर रुपाईपुर स्थित आलिशान मकान पर छापेमारी कर करीब 35 लाख रुपए की अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ नकली कफ सिरप भी बरामद किया गया था। थाना एरोला अंतर्गत सरकारी शराब के ठेके से शराब के सेवन से हुई मृत्यु के संबंध में पुलिस द्वारा कल रात्रि में एक अवैध शराब फैक्ट्री संचालित होते हुए पकड़ी गई थी। ये फैक्ट्री मोहम्मद नदीम नाम के व्यक्ति के घर से संचालित हो रही थी। यह रुपईपुर गांव का रहने वाला है। यह व्यक्ति फरार चल रहा था। इसके ऊपर DIG आजमगढ़ महोदय द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज सुबह लगभग 4:45 बजे सुखीपुर के पास पुलिस के द्वारा इसको घेर कर रोकने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर अवैध असलाह से फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसको दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ लाया गया, जहां वर्तमान में इसका उपचार चल रहा है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद हुई है, लाइव राउंड और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इस घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 42/22 धारा 307 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एरोला पर पंजीकृत किया गया है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है किस प्रकार से इसके द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और किन किन लोगों को सप्लाई की जा रही थी। इन सारी चीज़ों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इससे जो लाभ अर्जित हो रहा था उससे किस किस को लाभ पहुंच रहा था, इसके बारे में भी इससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में यह 5 मुकदमों में वर्तमान में वांछित था, जो 5 मुकदमे इस घटना के संबंध में थाना एरोला और फूलपुर में दर्ज किए गए थे। 3 लोग और जो 50,000 का जिनके ऊपर इनाम घोषित है वो वर्तमान में फरार चल रहे हैं। पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश में उनकी गिरफ्तारी के लिए फील्ड में निकली हुई है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश की खूब तारीफ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है और गुंडों का सफाया हो रहा है, उससे जनता को पुलिस पर भरोसा और बढ़ गया है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।